नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में। आज हमने और विजिट किया मारमेट रोड में। जैसे विजुअल में हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे पीडीडी डिपार्टमेंट की लापरवाही, ग्रीन ट्रीज़ के साथ जो भी इनकी वायर्स लगी हुई ग्रीन ट्रीज़ के साथ है, जहाँ की लोकल पब्लिक यहाँ से बहुत परेशान है। नाराबाजी आपने सुन ली, बहुत परेशान है पीडीडी डिपार्टमेंट से। चलिए, लोकल्स हैं, कुछ सरपंच साहिब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे ये नाराबाजी आखिरकार क्यों है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगराज है। योगराज जी, ये जो नाराबाजी आप कर रहे हो, और की प्रॉब्लम क्या है आपको ये? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारी बात सुनने का फैसला किया है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिजली का देखो सर, हमारी दीवारों में देखो कैसी तार की कंडीशन, देखें सर पोल नहीं है हमें। उसके बाद देखो सर, हमने बहुत डीसी तक हमने बहुत कुछ किया सर, हमने बड़ा कुछ किया, लेकिन किसी ने भी इसमें स्ट्रेस ध्यान नहीं दिया। और हमारा देखो सर, 375 रुपया बिल हर महीने हमें आता है सर, ठीक है। और बिजली जो है 2 घंटे आती और 2 जाती, वो भी दिन की 2 घंटे हमें लाइट मिलती है। और देखो हमारी बिजली की कंडीशन सर, आप खुद देख रहे हैं यहाँ की हालात। और बिल लेने के लिए सर पर महीने यहाँ हमारे घर में बिल पहुँचा, वो भी 7 महीने के बाद पहुँचता है। और उसका जो रेंट है हमें एक्स्ट्रा लगता है सर, वो भी हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है यहाँ के लोगों। और उसके बाद यहाँ बिजली के ठेकेदार, जो ठेकेदार ने टेंडर भरा था हमारा, एक स्टेशन यहाँ के लिए आया था अपर बनान के नाम से, 2 साल से सेंक्शन है, अभी तक देखो सर इसका कोई भी काम ग्राउंड पे नहीं हुआ है। ना जाने वो ठेकेदार कहाँ है, किसने ये काम किया है, वो पोल कहाँ है, कहाँ क्या है। ये पोल नहीं है, इन पोलों के अकॉर्डिंग आपने इनको डिपार्टमेंट से बात की कि ये क्या बिल तो आप दे देते हो, तो काम के पास हम डेली होते हैं सर। अच्छा, एक्शन के पास जाते हो आप? जो डेली एक्शन के पास होते हैं सर। एक्शन क्या, एक्शन डोडा क्या बोलता है? करेंगे जी, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कहाँ करेंगे, कुछ नहीं। दिलासे आप लोगों को दिए जा रहे हैं? कुछ नहीं है सर, कोई ग्राउंड में काम नहीं है, सिर्फ दिखलावा है। अच्छा, आपकी डिमांड आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी? जो हमारे यहाँ के लिए एक हमारे अपर बनहान के लिए एक स्टेशन यहाँ के लिए रिलीज हुआ है, लिहाजा जो भी वो ठेकेदार है जल्दी से जल्दी इस पे काम करे, और जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों के लिए लाइट जो है, जो हमारी पेड़ों पे तारें लगी हैं, हमें पोल बिजली वगैरह मुहैया होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि ग्रीन ट्रीज के साथ ये वायर्स लगी हुई है, पब्लिक बहुत परेशान है। सरपंच साहब से भी बात करेंगे आपका। सरपंच साहब, आप मुझे बोले इतनी सारी प्रॉब्लम है आपकी पंचायत में है, आप पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हो, आपने क्या डेवलपमेंट की? अगर आपने कुछ बात पहुंचाई होती तो आखिरकार ये पब्लिक यहाँ नाराबाजी पे नहीं होती। सर देखिए, हम तो अभी PRI जो बनी हुई है सर, तो 2 साल से बनी हुई है, 3 साल हो गए सर हमें। देखो पिछले साल तो लॉकडाउन हो रहा है सर, किसी भी डिपार्टमेंट के पास हम पहुंच नहीं सके, तो लिहाजा इस साल लॉकडाउन नहीं है सर, तो हम हर डिपार्टमेंट के पास जाएंगे सर, जो भी हमारी डिमांडें होंगी तो पूरी कराएंगे सर। ये पेड़ों के सर लाइट क्यों है? सर ये पहले से ऐसे ही काम किए हुए हैं, जब गवर्नमेंट नहीं कर रही है सर हमारा, तो क्या करें हम। हमने बड़ी डिमांड की, हम हर डिपार्टमेंट के पास गए तो कोई भी नहीं सुनता है सर। ये बिल आता है आपको? बिल सर देखो, बिल आता है वो भी 7 महीने के बाद आता है सर, उसका रेंट जो है लोगों को साथ में 7 महीने का लगाया जाता है सर, पर मंथली यहाँ पे कोई भी बिल नहीं आता सर हमें। आप लाइट देखो पेड़ों पे है, तो आप इतना सोचो कि 375 रुपये हमें आते हैं सर। 375 रुपये आप उतना यूज़ करते हो? सर हमें 2 बल्ब होते हैं सर, यानी 2 बल्बों में 375 रुपये आता है। जी जी, तो हमें यहाँ पे कोई TV नहीं है, कोई कूलर नहीं होता है, कोई फ्रिज नहीं होता है, आप देखो कोई बॉयलर नहीं होता है, ये पहाड़ी इलाके हैं सर, तो लोग यहाँ से परेशान है सर। 375 रुपये हमें पर मंथली, वो भी मंथली का है, तो चलो 375 जमा कर दिया, उसको साथ में 7 महीने के बाद देते हैं वो भी रेंट साथ लगा के, यानी मंथली आपको बिल भी नहीं आता है? मंथली कोई बिल नहीं आता है सर। अब क्या डिमांड आपकी रहेगी? सर यही डिमांड है कि हमें मंथली पर बिल आए, और 2 बल्ब का जितना हमारा बिजली जलती है तो कम से कम उतना ही हमें बिल आए। जैसे आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही प्रोजेक्ट हैं, बिजली भी यहीं बनती है, लेकिन
यहाँ की पब्लिक को नहीं दी जाती है। जो हमारे ये विलेजेस है वहाँ तक प्रॉपर तरीके से बिजली नहीं पहुँचाई जाती है। ये PDD डिपार्टमेंट की लापरवाही और यहाँ के जो लाइनमैन की है एक्शन की है। ये लोग पब्लिक यहाँ से एक्शन के पास जाती है डोडा इतना खर्चा करके, लेकिन एक्शन उनको आज कर करके ये बात टाल लेता है। साथ ही इन लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द इनको एक पोल देने चाहिए और बिजली प्रॉपर तरीके से देने चाहिए इनको। ये नहीं कि पेड़ों के ऊपर, जैसे विजुअल में हमने आपको दिखा दिया पेड़ों के ऊपर ये चल क्या रहा है। मेरा खुद का एक सवाल है PDD डिपार्टमेंट डोडा से कि अगर आप लोग दो बल्ब ये जला रहे हैं, दो बल्ब जलाने का 350 रुपये आप इनको बिल दे देते हो, आप मुझे बोलें कि, और वो भी 6-7 महीने के बाद, क्या मंथली आप बिल नहीं दे सकते हो? अगर आप लोगों को बिल लेना है, ऐसे पब्लिक को नहीं लूटें, अगर आपको बिल लेना है मंथली आप बिल दें, मीटर लगाएं इन्हें, जितना ये यूज़ प्रॉपर तरीके से बिजली कर रहे हैं उतना ही बिल लें, ये नहीं कि 350 रुपये आप लें। तो यही चंद बातें लेके ये लोग हमसे मुताबिक हुए थे। आप जुड़े रहे हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के लिए। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।